आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में चार कालम रहेंगे। पहला कालम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा समय। कक्षा 5, विषय कलरों और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न रचनाओं को पढ़कर उन रचनाओं के लेखक, विषयों, पात्रों आदि पर समूह में चर्चा करते हैं। दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण झांसी की रानी भाग एक। इसको हमने दो भाग में दिया है, बहुत लंबी कविता है, इसलिए इसको दो हमने पाठ योजना बनाई, 2 दिवसीय पाठ योजना बनाई है। और तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ पुस्तक कलरों और दीक्षा ऐप की सामग्री। इसके बाद है अगली हेडिंग चौथी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी चार कालम रहेंगे। पहला कालम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण और तीसरा रहेगा समय, चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। सबसे पहले हम कविता देखते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। इसके आगे देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, व्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी शिक्षण के मध्य में खा, और इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतियोगिता प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 95, पाठ 17 झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक चित्र का अब अवलोकन करते हुए, मैंने चित्र का अवलोकन बच्चों को कराते हुए विषय वस्तु के बारे में बच्चों को बताएंगे। अब शिक्षक पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद बच्चों को कविता का भावार्थ बताएंगे। तो इसमें हमने भावार्थ दिया इस समाधि में, ये 2 स्टैंजा का भावार्थ है मर्दानी की। प्रस्तुत कविता में कवयित्री सुमित्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के विषय में बताती हैं कि इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी है, जिसने अपनी चिता की ज्वाला के रूप में अति सुंदर ढंग से स्वतंत्रता की आरती की। यह छोटी सी समाधि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली है। इसके बाद दूसरा स्टैंजा आता है, तीसरा और चौथे स्टैंजा का ये अर्थ है। यहीं कहीं पर आगे उठी ज्वाला सी रानी लक्ष्मीबाई इस समाधि के आसपास टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई। उनकी हड्डियों के अवशेष फूल यही इकट्ठे हैं, मानो यह समाधि उनकी स्मृति स्थल हो। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के अनेक हमले मरने तक सहन किए, यानी अंग्रेजों के बहुत सारे हमले वो मरने तक सहन किए। उस स्वाधीनता के महायज्ञ में उनकी आहुति देकर चिता की ज्वाला से उसका व्यक्तित्व और भी चमकीला बन गया। इसके आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद है शिक्षण के बाद में। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है झांसी की रानी का क्या नाम था, और दूसरा प्रश्न है झांसी की रानी किसके खिलाफ युद्ध लड़ी थी, और तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत कविता की रचयिता कौन है, और चौथा प्रश्न है रानी की समाधि किन किन बातों की याद दिलाती है। बच्चों द्वारा सही व स्पष्ट उत्तर न दे पाने पर शिक्षक बच्चों को सही उत्तर बताएंगे। इसके बाद हम समूह कार्य बच्चों में करवाएंगे। शिक्षक दो दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर समूह में एक दूसरे से रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बातचीत करने को कहेंगे, और अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर समूह में आए कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को घर से कविता पढ़कर आने को कहेंगे। अगली हेडिंग आती है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। और दूसरी कार्य योजना शिक्षक की रहेगी शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करने में सहयोग प्रदान करेंगे, और अगली कार्य योजना है पाठ में आए व्याकरणिक शब्दों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।